हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द एबी क्लासेस। और आज हम लोग केमिकल इक्वेशंस, जैसे हम लोग, आपको पता होगा कि हम लोग क्लास टेंथ के चैप्टर वन केमिकल इक्वेशन, सॉरी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का कई पार्ट में हम लोग उसको डिवाइड कर रहे हैं और उसको छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ेंगे ताकि आपका हर टॉपिक क्लियर हो। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट होता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम लोग जो अपनी ये वीडियोस बना रहे हैं वो आपके लिए इसलिए प्रॉफिटेबल हैं क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं। और आपको पता होगा कि आपका जो पूरा पेपर बनता है, आपके सिलेबस में भी एनसीईआरटी ही है और आपका पेपर भी एनसीईआरटी से ही बनना है, ठीक है। तो जो भी मैं वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर रही हूँ ये आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें पूछे गए कोई भी क्वेश्चन है अगर एनसीईआरटी से रिलेटेड और उनका आंसर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे वो क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, या अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वो टॉपिक भी हम लोग से डिस्कस कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, तो हम लोग उस पर एक स्पेशल वीडियो बना के आपके प्रोवाइड करा सकते हैं। आइए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं वो है केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशंस होती क्या चीज़ है? सबसे पहले बात ये आती है कि जैसा आपके फर्स्ट टॉपिक में लिखा हुआ है कि एक्टिविटी 1.1 में उसमें बकायदे दिखाया गया था। मेरी प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो फिर होता क्या है, उससे हम लोग को मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका डिस्क्रिप्शन आपको मिला ही हुआ है। और अगर हमको ये चीज़ डिस्क्राइब करनी हो बहुत शॉर्ट फॉर्म में तो हम लोग केमिकल रिएक्शन का यूज़ करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन का यूज़ किया जा रहा है। ये रही ये केमिकल रिएक्शन, ठीक है। लेकिन पॉइंट की बात ये है कि इस केमिकल रिएक्शन से हम लोग को क्या प्रॉफिट मिलने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैंने आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पढ़ा रखा है, नीचे इसमें ब्लू कलर से जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिखा हुआ है ये उसी के बारे में बात हो रही है। और उसके भी नीचे जो पैराग्राफ है इस इक्वेशन के नीचे, उसमें बकायदा लिखा हुआ है कि रिएक्टेंट किसे कहते हैं और प्रोडक्ट किसे कहते हैं। तो अब बात आती है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो अभी आप इतना लंबा लिखेंगे तब तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को ज़रूरी क्या है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो सिंबल है वो पता रहे, ताकि आप लोग को उसको बहुत शॉर्ट में आप लोग करके मतलब समझ जाए, और अगर आपको याद रहेगा तो वो कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ डिस्क्राइब कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें ये जो दोनों पैराग्राफ हैं इनमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की डेफिनेशन बताई गई है और प्लस की साइन कब लगाते हैं और एरो कब लगाते हैं ये सब दिखाया गया। अगर आप कोई भी दिक्कत होती है तो आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नया टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं ये पढ़ना है कि राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, कि हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे हैं। यहाँ पर जो आपने पढ़ा कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक, उसी को हम लोग अब यहाँ पे जो केमिकल इन लोग के सिंबल्स होते हैं उसके फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो होता है Mg और ऑक्सीजन का O2 होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है MgO, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ये आपका केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन इफ़ यू रिकॉल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज अबव इक्वेशन। जो पहले मैंने आपको दिखाई कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज गिव्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको हम लिख सकते हैं Mg प्लस O2 गिव्स MgO, ठीक है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अब जल्दी से पढ़ लेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, आइए सबसे पहले हम लोग इसी में समझ लेते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। तो एक यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा इधर ही समझा देती हूँ कि रिएक्टेंट में Mg की मात्रा 1 है, O की मात्रा 2 है, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट में आएंगे तो Mg भी 1 है और O भी 1 ही है।
तो यहाँ पे तो ये बैलेंस नहीं हुआ, मान लीजिए एम जी बैलेंस है लेकिन ओ तो बैलेंस नहीं है। तो ओ को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें यहाँ एक टू लगा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे टू लगाने का मतलब क्या है, ये भी टू हो गया है, ये भी टू हो गया है। और इसको बैलेंस करने के लिए अब ये टू ये वन ये बैलेंस नहीं है, तो अब हम लोग एम जी के भी आगे अगर टू लगा देंगे, ठीक है। तो अगर अब आप देखेंगे एम जी आगे टू लगाने के बाद, तो अब ये सब कुछ बैलेंस हो गया, इधर भी एम जी टू हो गया, इधर भी एम जी टू हो गया, इधर भी ओ टू हो गया और इधर भी ओ टू हो गया। तो अब ये जो केमिकल इक्वेशन है अब जाके ये बैलेंस हो गई है। तो इस तरह से बैलेंस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, जब जितना आपका रिएक्टेंट है उतना ही आपको प्रोडक्ट मिलता है, उतनी ही मात्रा में मिलता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो इक्वेशन हमारी बैलेंस इक्वेशन हो जाती है। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सेकंड पैराग्राफ अगर आप देखेंगे कि द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, हैंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केल्टन स्केल्टन केमिकल रिएक्शन, इज द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस, लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो अब ये स्टेप बाय स्टेप इन्होंने एग्जाम्पल लिया है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का, और जिससे बना क्या है, तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक। अब इसका ये तो इसकी इक्वेशन है, लेकिन अगर इसको हमें सिंबलाइज करके लिखेंगे या केमिकल इक्वेशन में इसको हम लोग बनाएंगे, तो होगा क्या, जिंक का होता है ZN, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। तो ZnSO4 प्लस H2, अब आप यहाँ पे ये बकायदे पूरा ये टेबल जो दी है ये आपको पूरा दिखा रही है कि Zn कितना है आपका रिएक्टेंट में, तो 1 है, H2 है, S1 है और O4 है, लेकिन इसके जो प्रोडक्ट है उसमें Zn तो 1 ही है, H आपका 2 ही है, S भी 1 ही है और ओ भी 4 ही है। तो दैट्स वाई कि ये तो टोटल बैलेंस है, इसमें तो कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, लेकिन इसी जगह अगर हम लोग ये वाली इक्वेशन देखें, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, तो इसमें क्या है, इसमें देखिए ये टेबल आपको दिखाएगी कि Fe1 है रिएक्टेंट में, H2 है रिएक्टेंट में, O1 है रिएक्टेंट में, बट वही चीज़ अगर प्रोडक्ट में मिल रही है तो Fe हमें 3 मिल रही है, H2 ही मिल रहा है बट O4 मिल रही है। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, इसको मैं यहीं पे आपको समझा देती हूँ। अगर इसमें आप देखेंगे तो हम लोग Fe3 करना है, Fe3 करने का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए आप यहाँ पे Fe3 कर देते हैं, ठीक है। तो अब Fe तो दोनों तरफ बैलेंस हो गया, इधर भी Fe3 हो गया, इधर भी Fe3 हो गया, लेकिन अब उस तरफ Fe3 है बट O4 है ना, अब O4 है लेकिन इधर तो O1 ही है, तो O को 4 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, H2O के बगल, सॉरी 4 बनाना है तो इसको 2 करना होगा, ठीक है। तो अगर हमने 2 किया, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करके थोड़ा सा और पहले लिख देती हूँ, ठीक है। अब देखिए H4 हो गया है, लेकिन अब O4 हो गया लेकिन H अब 8 हो गया, तो H को 8 बनाने के लिए हम लोग को अब इधर आना पड़ेगा और यहाँ पे हम लोग को 4 2 8, अब ये पूरी की पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। और अगर आप इसको देखेंगे तो नीचे चल के देखेंगे तो सेम यही बैलेंसिंग आई है कि Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। आइए यहाँ पे देखिए, ये आपकी फुल फाइनली आपकी जो बैलेंसिंग है वो कहाँ पे आपको मिली, तो ये रही आपकी बैलेंसिंग इक्वेशन जो मैंने पहले ही आपको बैलेंस करके दिखाई है, ठीक। तो अब जो जरूरी है कि जरूरी ये है कि आपको ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, ये स्टेप बाय स्टेप जो इसमें सिखाया गया है, अगर आपको इसके स्टेप में कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा
इसके क्वेश्चन जो यहाँ क्वेश्चन है ये भी आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा, और ये सॉल्व करने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन अगर इन सब में से फंसता है या कोई भी टॉपिक फंसता है तो आप मुझसे जरूर डिस्कस करिएगा। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपके कोर्स से रिलेटेड एजुकेशनल टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।